परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक से कुशल चालक तैयार हो सकेंगे। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत लोगों को घर के स्वामित्व का अधिकार देने की भी बात कही। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जल्द प्रदेश में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा सभी गाड़ियों में एक पैनिक बटन लगाया जाएगा जिससे कोई भी यात्रा के दौरान कोई घटना होने पर उस बटन का इस्तेमाल कर सकेगा, जिसकी सूचना भोपाल के कमांड कंट्रोल सेंटर में मिल जाएगी। ग्रामीणों को भूखंड दिए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि कई सालों से लोगों के पास मकान है लेकिन गांव में लोन नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा इसके लिए 2 अक्टूबर को स्वामित्व योजना शुरू की जा रही है, जिसके बाद लोगों को स्वयं के घर का स्वामित्व मिल जाएगा जिससे वे इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में कई सालों से अभी खुद के लोगों के मकान तो हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में जो गांव में मकान हैं उनके मकान को उनका भूस्वामी का अधिकार अभी नहीं है। अपने मकान पर वो ना कोई लोन ले सकते हैं, ना अपने मकान का ये बता सकते हैं कि उसका स्वामित्व है। तो बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी 2 अक्टूबर को स्वामित्व योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इस स्वामित्व योजना जो 2 अक्टूबर से राजस्व विभाग की चालू होगी, इसके बाद से हम करोड़ों लोगों के लिए उनके स्वयं के आवास का, स्वयं के घर का स्वामित्व का अधिकार देंगे। उसके बाद में उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो उसका ही मकान रजिस्टर्ड हो जाएगा और उस मकान से का वो कुछ भी उपयोग कर सकता है, जैसा हम लोग शहरों में करते हैं। वो परेशानी अभी गांव में है। हमारा बहुत दिन से पाइपलाइन में था ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाना, तो ये सब 2-3 योजनाएं हमारी जो थी, कमांड कंट्रोल सेंटर बनाना, ये जल्दी से जल्दी हम लागू कर रहे हैं और अगले ही महीने कमांड कंट्रोल सेंटर और ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेन ये ट्रैक ये दोनों ही हम लागू करने वाले हैं। ये इनकी हमने बुलाया कि तैयारी करें ताकि मध्य प्रदेश में अच्छे ड्राइवर तैयार हों और कमांड कंट्रोल सेंटर के द्वारा जो कई वारदातें होती हैं बस में या टैक्सी में, ओला उबर में, वो अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो कमांड कंट्रोल सेंटर में हमको खबर मिल जाएगी, क्योंकि हर गाड़ी में हम पैनिक बटन लगाएंगे और पैनिक बटन दबाने के बाद में उसकी सूचना कमांड कंट्रोल सेंटर भोपाल में आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।